नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्थान के मुख्यालय मनमोहिनी वन कैंपस में नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन, खेल जगत से जुड़े अधिकारी हुए उपस्थित। हरियाणा के फरीदाबाद में अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम, चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग के DSP राजेश चेची समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल। और मॉस्को में 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और ब्रह्म कुमारीज मॉस्को का संयुक्त आयोजन। भारतीय राजदूत पवन कपूर ने किया ब्रह्म कुमारीज के स्टॉल्स का अवलोकन। संस्थान के मुख्यालय आबू रोड स्थित मनमोहिनी वन कैंपस के ग्लोबल ऑडिटोरियम में इनहेंसिंग माइंड पावर थ्रू राजयोगा मेडिटेशन विषय पर नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संस्थान के खेल प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाडिया एडमिनिस्ट्रेटर अमन शर्मा, जयपुर राज स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के PRO डॉक्टर तेजराज सिंह, राजकोट से मॉडल हार्दिक दसानी शामिल हुए। वही संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK संतोष, अतिरिक्त महासचिव BK ब्रजमोहन, वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका BK उषा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK मेहरचंद, मुख्यालय संयोजक BK जगबीर समेत स्पोर्ट्स कोचेस, खिलाड़ी, मनोवैज्ञानिक और पत्रकार आदि सम्मिलित हुए। इस कॉन्फ्रेंस पर अतिथियों ने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। हमेशा कर्म करते हुए सोचो कि जो कर्म हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि वो दूसरों के लिए कहीं दुखदायी ना हो। और जिस समय आप समझ लोगे कि अगर ये कर्म मेरे लिए दुखदायी है तो दूसरों के लिए भी दुखदायी होगा, ये सोच के जो कर्म करोगे निश्चित ही उसको फल प्राप्त करोगे। जगबीर जी से यही निवेदन करूंगा कि मैं हमारा तो आप फिक्स कर लें, और अभी नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात के अंदर, तो राजस्थान टीम्स का कैंप लगेगा 6 सितंबर से 25 सितंबर तक, राजस्थान मैन एंड वुमेन टीम का। तो मैं तो आपको पहले से डेट्स बता दिए, आप अपना सूटेबल टाइम बता देना कि कब आप फ्री हैं, तो हमारा उनका कैंप जरूर लें। जाने अनजाने हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करके ही अपना कारोबार करते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से वो बताया जाएगा कि कैसे अपने आप को सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करना है ना, पावर हाउस, पूरी दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है, जितने इतना बेहद का खेल रचा हुआ है, उससे कनेक्ट हो करके फिर हम अपने गेम के अंदर जाएं, तो आपकी जो पावर है वो कई गुना आपको फील हो। एक अच्छा खिलाड़ी खुद को प्रेरणा देता है, जबकि एक महान खिलाड़ी दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब जीत होती है तभी तो खुश होते हैं, परंतु जब हार होती है तभी नर्वस हो जाते हैं। पर ये हार और जीत का खेल है, इस बात को अगर ध्यान में रख करके चलते हैं तो ना खुशी और ना गम, इससे भी न्यारी स्थिति रह करके हम खेल को खेलते हैं, तो मैं समझती हूँ उससे हमें भी बहुत निश्चिंत रहते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस ग्लोबल ऑडिटोरियम में संस्थान के सोशल सर्विस प्रभाग द्वारा आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राज्यिक शिविर में दिल्ली के संत हरदयाल एजुकेशन सोसाइटी एवं अनाथ कल्याण समिति के संस्थापक गिरिधर प्रसाद भगत, भोपाल से रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिनेंद्र जैन, संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं प्रभाग की अध्यक्षा BK संतोष, अतिरिक्त महासचिव BK ब्रजमोहन, प्रभाग के उपाध्यक्ष BK प्रेम, राष्ट्रीय संयोजक BK अवतार समेत पदाधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम की थीम के अंतर्गत दिल्ली से आए भाई बहनों ने समाज में सच्ची सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नाटक प्रस्तुत किया। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू।
ये कोशिश ना करें कि दुख कैसे ख़त्म होगा, ये कोशिश करें कि हमारे मन को उसकी फीलिंग ना आए तो कैसा रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल और देश के कोने कोने से समाज सेवी शामिल हुए। हरियाणा के फरीदाबाद एनआईटी सेंटर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची, क्यूआरजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बालकिशन गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर अजय रात्रा, हरियाणा के बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली, सीनियर राज्योगा टीचर बीके अनुसुईया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को बीके बहनों ने राखी बांध उन्हें ईश्वर सौगात भेंट की। जम्मू में आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आर्मी कैंप में हार्मनी इन रिलेशनशिप्स पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जम्मू के सीनियर राज्योगा टीचर बीके रविंदर और बीके नेहा ने उपस्थित सेना के जवानों की वाइफ्स को रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं इस पर अपने विचार रखे। इस मौके पर मेजर की पत्नी नेहा मेनहास, सूबेदार मेजर रामपाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अब खबरें एक नजर में। छत्तीसगढ़ में कोरबा के बालको उप सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए बीके बहनों ने किया प्रेरित। वही सेवा केंद्र द्वारा लगाया गया निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर, लोगों ने शिविर का लिया पूरा लाभ। ऐसे ही दिल्ली गाजीपुर के सर्वोदय राजकीय कन्या विद्यालय में संस्थान के कल्पतरु अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए किया प्रेरित। ऐसा ही कार्यक्रम नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में किया गया आयोजित, जहां विद्यार्थियों संघ बीके सुधा ने किया पौधारोपण। बिहार के आरा जेल में संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन, जेल में कैदियों हेतु चरित्र निर्माण पर 3 दिवसीय प्रोग्राम, हजारों कैदियों ने लिया लाभ। हरियाणा के पानीपत ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में युवाओं के लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, ज्ञान मानसरोवर के डायरेक्टर बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, वंडर गर्ल कुमारी जानवी, बीके विदात्री ने किया दीप जलाकर। बीके ब्रजमोहन ने युवाओं में उमंग उत्साह भरते हुए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से भी किया भरपूर। इस मौके पर दादी मनोहर इंदिरा मेडिटेशन हॉल का भी किया गया उद्घाटन। रिबन काटकर सभी पदाधिकारियों ने किया शुभारंभ। संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान के जालौर में मेरा जालौर व्यसन मुक्त जालौर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नगर निगम में कार्यक्रम, नगर निगम और तानसेन नगर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया गया वृक्षारोपण। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने बताया कि कल्पतरु योजना के अंतर्गत हर घर में एक पौधा पहुंचाने का किया है प्रयास। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रोतागणों को पौधे देकर किया गया सम्मानित। बिहार पटना के खाजपुरा सेवा केंद्र द्वारा सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर मुख्यालय पटना में 3 दिवसीय राज्योग शिविर, जिसमें आईजी पंकज कुमार, आईपीएस सीनियर असिस्टेंट कमांडेंट हरेंद्र कुमार समेत अन्य इंस्पेक्टर कमांडेंट रहे उपस्थित। शिविर में बीके अंजू ने बताया कि मुस्कुराने से कैसे जीवन के तनाव होता है दूर। कार्यक्रम के अंत में आईजी पंकज कुमार को बीके अंजू ने परमात्मा का स्मृति चिन्ह किया भेंट। मध्य प्रदेश मुरैना सेवा केंद्र पर प्रादेशिक वेशभूषा के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि सौर ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद। कार्यक्रम में बच्चों की सुंदर परफॉर्मेंस ने जीता सभी का दिल, स्लोगन देकर किया सम्मानित। राजस्थान के पाली में मुस्लिम धर्म के अध्यक्ष जब्बार भाई को बीके बहनों ने ईश्वरीय परिचय देते हुए भेंट की ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित सरपंचों और उप सरपंचों का सम्मान समारोह,
आत्मनिर्भर किसान अभियान के अंतर्गत हुए कार्यक्रम में बीके बहनों ने सभी से वृक्षारोपण करने व नशा मुक्त बनने की कराई दृढ़ प्रतिज्ञा। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रूस की राजधानी मॉस्को में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सीता द्वारा 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये फेस्टिवल मनोज कोटवानी और ब्रह्म कुमारीज मॉस्को के संयुक्त प्रयास से आयोजित रहा, जिसमें ब्रह्म कुमारीज मॉस्को ने लेक्चर्स, राज्यों का मेडिटेशन प्रदर्शनी, वर्चुस्कोप गेम समेत कई एजुकेशनल एवं क्रिएटिव एक्टिविटीज का स्टॉल लगाया, जिसका रूस में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने अवलोकन किया। इस दौरान मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा भी मौजूद रहे और उन्होंने पवन कपूर जी को स्टॉल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मॉस्को के आधुनिक पार्क द ड्रीम आइलैंड में फेस्टिवल के इनॉग्रल सेरेमनी के दौरान पवन कपूर ने भारत की विभिन्न परंपराओं की महिमा करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने बीके सुधा दीदी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। I stopped by at the stall of the Brahma Kumaris with Sister Sudha and her team, and she tied me a rakhi, which is a very special bond. कार्यक्रम के पश्चात भारतीय सांस्कृतिक केंद्र परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पवन कपूर और बीके सुधा दीदी ने भी सहभागिता की। 4 दिनों तक चले इस फेस्टिवल का अवलोकन करने आए लोगों के लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें सबसे ज्यादा दर्शकों ने राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक जानने में अपनी भरपूर दिलचस्पी दिखाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।